हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई हूँ फ्रेंड्स कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ और फटे पुराने कपड़ों से ही मेरे वीडियो जो है होते हैं लगभग। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज भी मैं कुछ ऐसा ही लाई हूँ, तो बिल्कुल सही समझ गए आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ जैसे साड़ी, दुपट्टे या कोई भी बेकार आपके घर में कपड़ा पड़ा है, उसका आप जो है यूज कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ देखिए इस तरीके से साड़ी का। आप साड़ी की जगह कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं इस तरीके से लंबा सा, और हमें इसमें से पट्टियाँ कट कर लेनी है छोटी छोटी। तो पट्टियाँ कट करके हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से डोरमेट आज हम बनाएंगे, जो कि बाहर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं और देखने में इतने प्यारे लगते हैं ना कि हम सबका मन कर ही जाता है इनको खरीदने का। तो आज हम इनको घर पर ही बनाएंगे बहुत आसानी से। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हम इस साड़ी में से जो है पट्टियाँ कट करके हटाएंगे। तो पट्टियाँ आप यहाँ पे 4 इंची की लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर हटा दूंगी सबसे पहले, तो बॉर्डर अलग है तो मतलब कलर अलग है उसका, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसको अलग कर देंगे और बाकी साड़ी को हम यहाँ पे कट करेंगे। तो 4 इंची की हम यहाँ पे पट्टी लेंगे, और आपको ज़्यादा अगर मोटा नहीं बनाना है तो आप 3 इंची का भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी पट्टियाँ यहाँ पे देखिए इसकी कट कर लेंगे, एक ही बार में जो है हम सारी पट्टी कट कर लेंगे क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। और पट्टियाँ कट करके यहाँ पे हम देखिए इसको इस तरीके से रोल बना देंगे अच्छे से, और रोल बना करके हम इसमें इसको लपेट करके ऐसे और रख देंगे। देखिए तो इस तरीके से बॉल टाइप की हम बना के रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से काफ़ी सारी जो है साड़ी फाड़ करके कट करके मैंने यहाँ पे रोल बना के रखे हुए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 साड़ी और कट करी हुई हैं, इस तरीके से मैंने रोल बना लिए हैं। और यहाँ पे जो मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ईजी तरीका है, इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है, कोई भी यहाँ पर हमें चोटी नहीं बनानी है। देखिए इस तरीके से आपको एक नॉट लगा देनी है, देखिए इस तरीके से जो फिसलने वाली नॉट होती है ना, जिसको अक्सर हम जो है कपड़े पहनने में भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से हमें एक नॉट लगा लेनी है। और नॉट जो हमने लगाई है उसमें से देखिए फिर से इस कपड़े को इस तरीके से निकाल के खींच लेना है, तो एक नॉट फिर से लग जाएगी। और इसी तरीके से हमें इस कपड़े को देखिए इसमें से निकालते जाना है और इसको खींचते जाना है, इससे एक नॉट लगती जाएगी बहुत अच्छे से देखिए। और ये वाला प्रोसेस करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और बहुत ज़्यादा आसान भी है इसको बनाना। तो देखिए इस तरीके से आप कभी भी जो है खाली टाइम में बैठ करके इनको तैयार कर सकते हैं और फिर कभी भी आराम से इनको बना भी सकते हैं मैट को। तो देखिए इस तरीके से हम इसको खींच देंगे तो ये निकल भी जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बता रही थी, मैंने देखिए यहाँ पे बहुत सारी पहले से यहाँ पे जो है डोरी या आप रस्सी जो भी बोलो इस तरीके से मैंने बना के रख ली है काफ़ी सारी। तो अभी मैंने ये देखिए एक ही साड़ी का बनाया है, एक ही कलर का है ये। तो आप चाहो तो अलग अलग कलर की अलग अलग बना सकते हो, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो है ख़त्म हो गई है डोरी, एंड हो गया है, तो मैं इसके साथ दूसरी कलर की यहाँ पे जो है डोरी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें देखिए डबल करके ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो पट्टियाँ हैं वो मैंने किसी और चीज़ के लिए कट करी थी, तो यहाँ पे मेरी 2-2 इंच की हैं ये, तो इसलिए मैंने डबल करके ली है ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए और ये 2.5 इंच की मतलब 4 इंची की हो जाए। तो आप यहाँ पे 4 इंची की ही कट करिएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ नॉट बांध के यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखिए बस वही जैसे हम सिंपल पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें इसमें देखिए ऐसे नॉट लगा देनी है और इसको खींच देना है। तो अगर आप अलग अलग कलर का बनाना चाहते हैं मैट, तो अलग अलग कलर की जो है आप पट्टी बना करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, अलग अलग कलर की डोरी बना के रख सकते हैं। मैं जो है एक ही साथ बना रही हूँ, तो देखिए इसको आसानी से बनाने के लिए इस तरीके से मैंने पैर के नीचे दबा लिया है और इसको फटाफट फटाफट करती जा रही हूँ, तो बहुत जल्दी बन गया था। आप किसी कुर्सी वगैरह या किसी भारी चीज़ के नीचे इसको दबा करके भी बना सकते हैं, मैं एक सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने 2 कलर का धागा लिया है, बहुत पक्का वाला धागा है ये, इसको मैंने ले लिया है, सुई ले ली है बड़ी वाली, और इस तरीके से देखिए नॉट लगा के मैं इसमें सिलना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सिंपली जैसे हम कपड़े वगैरह कुछ भी सिलते हैं बस उसी तरीके से इसको देखिए इस तरीके से सिलना है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं 20 नंबर की नीडल लगा करके, और आप देख सकते हैं इसको जो है इसी प्रोसेस से करते जाना है इसमें।
तो आप इसकी शेप किसी भी तरीके की रख सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं इस तरीके से, और स्क्वायर में भी बना सकते हैं देखिए। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी पट्टी है वो टेढ़ी मेढ़ी ना रहे, अच्छे से इसको हमें जो है खोलते रहना है, और बीच बीच में ये पलट जाएगी तो इस तरीके से हम इसको खोलते हुए, और देखिए, और इस तरीके से ये बहुत अच्छे से और पक्के तरीके से बनता है। सिलाई मशीन का हो सकता है एक बार को सिलाई जो है निकल भी जाए, लेकिन ये जो धागा है बहुत पक्का होता है, और हाथ की सिलाई होती है बहुत अच्छी होती है, पक्की होती है। तो इस तरीके से मैं हाथ से इसको बनाऊंगी, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, 1 घंटे के अंदर जो है ये बन गया था। तो आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सूट करने में। तो अभी आप देख सकते हैं जो नॉर्मल साइज़ का मैट होता है वो एक तरह से ये बन के रेडी हो गया है, लेकिन मैं नॉर्मल मैट नहीं बना रही, मैं मैट से बड़ा वाला साइज़ बना रही हूँ बेड के साइड में बिछाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने अभी यहाँ पे एक साड़ी कंप्लीट कर ली थी, दूसरी साड़ी का मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्ट कर दिया है इसको। 3 साड़ी का मैंने यहाँ पे डोरी बनाया था इस तरीके से, और ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये देखिए सिंपल सिलाई जिसको आती है वो भी कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी देखिए 2 साड़ी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अभी ये जो है मेरी 3री साड़ी की डोरी मैं इसमें लगा रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर धागा भी चेंज कर लिया है, ग्रीन कलर का ले लिया है, और ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल उसी धागे से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा अच्छा लगे देखने में इसलिए मैंने धागा चेंज करा है। अभी देखिए जो ग्रीन वाला था हमारा वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब एंड इसका रह गया, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका एंड जो है कैसे करना है। 3 कलर हमने इसमें अटैच करे हैं इस तरीके से, आप इसको अलग अलग कलर का भी बना सकते थे, या फिर जो है एक डोरी जो है एक साड़ी की और दूसरी डोरी ऐसे भी आप बना सकते थे मल्टी कलर में। तो यहाँ पे इसका जो एंड है देखिए वो जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ पे हमें इसको इसके साथ में जो है अच्छे से टांका लगा करके फिक्स कर देना है, और यहाँ पे 2-3 नॉट लगा करके इसको अच्छे से टाइट जो है यहाँ पे हमें इसको फिनिश कर देना है। तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने इसको कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर एंड किया था, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको पक्का कर दिया है, अच्छे से मैंने यहाँ पे नॉट जो है इसकी लगा दी है देखिए, और अब हम जो भी धागा एक्स्ट्रा इसको कट करके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस मैट को बनाने का। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल 2 डोरियों में नॉट लगा ली है, और 1 डोरी में मैंने यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन लगाया है इस तरीके से। तो हमारी जो दूसरी डोरी है उसको हम कोई भारी चीज रख देंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमने नॉट लगाई थी वहाँ पे हम इसको अच्छे से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद देखिए सेफ्टी पिन को इसके अंदर से निकाल करके ऐसे नॉट लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने डोरियाँ ली हैं वो थोड़ी सी पतली हैं, मतलब आप यहाँ पे मोटा डोरी ले सकते हैं, और इस तरीके से देखिए सिंपली बस नॉट लगाते जाना है, इसको इसके अंदर से निकालते जाना है और नॉट लगाते जाना है। तो इसी प्रोसेस से देखिए आपको करते जाना है, और जो भी इसके फंदे बनते हैं उसी फंदे में से देखिए इसको निकाल लेना है, और इसमें हमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, सिंपली जो है धागा जब भी ये ख़त्म हो जाए डोरी तो बस इसमें डोरी अटैच करते जाना है इस तरीके से, और देखिए और इसको हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो जो हमने नीचे डोरी रखी हुई है उसको भी हम यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पे देखिए सर्कल शेप में इसको बनाया है, आप किस शेप में बनाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोनों में से कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा है वो भी आप ज़रूर बताना। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल हैं, आप कोई भी इसको घर में जो है ट्राई कर सकते हैं बेकार कपड़ों से। तो फ्रेंड्स मेरी जो है डोरमेट की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो को वॉच करो सको, इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।